मेरे बड़ा शौक था कि मैं लीडरशिप का ट्रेनर हूँ, तो मैं जाके ना, क्योंकि इनकी लीडरशिप बड़ी मशहूर है, कबाइल की जो लीडरशिप है ना इनकी, प्रॉपर एक मैकेनिकल, आप में से पठान तो नहीं है कोई? ठीक है, तो पठानों के अंदर ना जो कबीला बनता है ना, तो कबीले की जो जिरगा और उस बंदे का जो इंतखाब किया जाता है वो एक बहुत क्लियर प्रोगेटिव के साथ किया जाता है। बहरहाल अब पंजाब में ये सिस्टम नहीं है, इसलिए मैं आपको समझा रहता हूँ। तो मैं एज अ स्टूडेंट उससे कहा था ना, वो 12-14 कबीलों के साथ में बैठा, कबीले मतलब छोटे छोटे खानदान जो वहाँ पे, क्योंकि ख़ानदान के हेड के ऊपर ना वो अकाउंट खुलता तो उधर से पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, 12,000 या 15,000 रुपये महीना होता था इनका। तो मैं जाके उससे पूछा कि यार आप लीडर कैसे चुनते हैं, आपकी लीडरशिप जो है ना बहुत, और पूरी दुनिया को आपने नथ डाल के रखी हुई है, ना इंग्लैंड आपसे फतह से आप फतह हुए, ना अमेरिका से आप फतह हुए, क्या करते हैं आपके, कहाँ से आता है आपके पास ये? एक ही जवाब दिया 8 अलग अलग खानदानों ने, एक ही जवाब, कितना आसान था मुझे पता ही नहीं था दुनिया हम कितनी मुश्किल कर बैठे। मैंने कहा कैसे लीडर चुनते हैं, कहता इतना तो इसमें कौन सी साइंस है यार, हम तो, अब मैं आपको जान के रोक रहा हूँ ये बात ताकि आपकी ज़रा क्यूरियोसिटी बनी रहे, हम तो बस ये देखते हैं और लीडर चुन लेते हैं। अगले से पूछा, हम भाई ये देखते हैं तो लीडर चुन लेते हैं, बंदा अगर उस बंदे के अंदर ये है तो वो लीडर नहीं है। वो क्या था, हर बंदा वही बोल रहा था, सोचें ज़रा, गौर सुनना है इस वक्त जवानों, आपके लिए बात बता रहा हूँ। मैंने कहा कि क्या करते हो लीडर चुनने के लिए, कहता है हम बस एक चीज़ देखते हैं, ये बंदा गीबत तो नहीं करता। मैंने कहा क्या गीबत, उसका क्या ताल्लुक है लीडर से, कहता है जो गीबत करता है डरपोक होता है, वो मुंह पे सीधी बात नहीं कर सकता, पीछे करता जाके, और हर गीबती पहचान में होता है, हर बंदे की अल्लाह ने रेडार बनाया हुआ, गीबती पहचाना जाता है, क्योंकि जाहिर है हम सही तो करता है, कहता जो इसने आज तक गीबत नहीं की वो सबसे मुनफरीदों के ऊपर आ जाता है कि यार ये बंदा किसी के पीठ के पीछे नहीं, सीधा जाके फायर करेगा मुंह पे कि भाई तूने ये काम किया गलत है। कौलू कौलन सदीदा की ताकत देखें, लोगों से नहीं डरता, अल्लाह से डरता है बस।